नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपी अड्डा। और मेरे साथ हैं प्लाजा वाइज के मिस्टर संजय गुप्ता, जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आदित्य गुप्ता जो डायरेक्टर हैं कंपनी के। इनकी आईपीओ जो है सितंबर 29 को खुल रहा है और अक्टूबर 4 को बंद होगा। 51 to 54 रुपीज़ पर शेयर इनका आईपीओ प्राइस बैंड है, और ये फ्रेश इशू रेस कर रहे हैं लगभग 71.3 करोड़ का। मेरे साथ हैं संजय गुप्ता जी। संजय जी, ये बताइए कि आप ये 71 करोड़ जो रेस कर रहे हैं और उसका उपयोग कहाँ करेंगे? Firstly, I welcome everybody to the show. And I would like to tell you, मैं बताना चाहूंगा कि जो 71 करोड़ हम लोग रेस कर रहे हैं, उसमें से roughly अभी हमने ऑलरेडी लैंड बद्दी के अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर हमने ऑलरेडी एक लैंड एक्वायर कर लिया है, जिसके के वो अपने इंटरनल अप्रूवल से एक्वायर कर लिया है, जिसके के अंदर ये नया प्लांट आएगा. और उस नए प्लांट के अंदर हम लोग एलटी एक्सएलवी केबल्स और डोमेस्टिक केबल्स और फायर सर्वाइवल केबल्स और सोलर केबल्स, ये 4 प्रकार की केबल्स हम उसके अंदर बनाएंगे, जिसके के लिए मशीनरी के लिए कैपेक्स यूज किया जाएगा, प्लस कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स के लिए ये कैपेक्स यूज किया जाएगा, प्लस उस कैपेक्स यूज किया जाएगा इसके अंदर से वर्किंग कैपिटल के. आदित्य जी, ये बताइए कि इसका उपयोग आप वर्किंग कैपिटल में भी करते हैं, तो आज के डेट में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है और ये कितना आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट को मैनेज कर पाएगा? हमने एक इस प्रोजेक्ट के लिए हमने एक डन ब्रॉड स्ट्रीट एक कंपनी है उनसे एक टीवी रिपोर्ट बनवाई थी. उस टीवी रिपोर्ट में उन्होंने हमारे वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मॉनिटर किया था, अच्छे से उसकी चेकिंग की थी, और उस बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि हमें 22 करोड़ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. वो 22 करोड़ वर्किंग कैपिटल हमने अपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू चैप्टर का पार्ट बनाया है. उससे हमें लगता है कि हमारे को हमारा काम हो जाना चाहिए, और अगर कहीं पे भी हमें कमी पड़ती है देन हम अपने बैंकर को अप्रोच करेंगे. वो शुड बी हुआ जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, और वो हमें सपोर्ट करेंगे अगर कहीं पे कमी पेशी आती है तो. ये आज के डेट में कितना है डेट आपके बुक्स में? रफली हमारे बुक्स पे डेट जो है वो अभी 40 करोड़ है. और 40 करोड़ वर्किंग कैपिटल लिमिट है ये हमारे पास कोई कोई भी लैंड बिल्डिंग मशीनरी के अगेंस्ट में कोई भी डेट नहीं है. इस कंपनी इस डेट तो ये अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। हाँ बहुत कम लॉन्ग टर्म डेट है, शायद 2-2.5 करोड़ के आसपास. आई एम नॉट आई एम कांट सी द एग्जैक्ट फिगर. बहुत कम लॉन्ग टर्म डेट है. जो डेट जो सारा है जैसे संजय सर ने बताया वो सारा वर्किंग कैपिटल डेट ही है मोस्ट ऑफ द डेट. देखिए, आपका ब्रांच जो है नॉर्थ इंडिया में है काफी देर से, आप उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे आगे? संजय जी, हमारा ब्रांड ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स में हमारी पूरी प्रेजेंस है. 2016 के अंदर हमने अपना केरला कोचीन के अंदर ब्रांच खोला, और वहां सेल्स टीम दूसरी कंपनी के लिए का हायर किया, अच्छी सेल्स टीम हायर किया, इनके बिहार पर हम पूरा अभी साउथ इंडिया वहां से कवर करेंगे और कर रहे हैं. हम धीरे धीरे करके पिछले 6 साल में हमारा अभी अच्छा मार्केट वहां बन गया है, उसे डेवलप करेंगे. और हमारा अगर आप देखें ईस्ट तरफ की तरफ जाते हैं तो हमारा कैलकटा और आसाम मतलब गुवाहाटी के अंदर भी हमारा ब्रांच है, वहां भी हम इस माल को एक्सपेंड करके सेल करेंगे. ये बताइए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो वायर्स एंड केबल्स का है, और आपने अभी सोलर केबल्स के बारे में भी बात की, वहाँ पर एंट्री आपकी है। आपका एक और सेगमेंट है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसमें आप फैंस एंड अदर एसेसरीज बनाते हैं, वो कितना बड़ा है आपके लिए आज का बिजनेस? आगे जाके आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे और इसमें किस तरह के मार्जिन्स हैं आदित्य? हमारे जो रेवेन्यू है उसका मैक्सिमम परसेंटेज वायर्स एंड केबल्स है. रफली सिर्फ 2% है जो एफएमईजी गुड्स है. तो हमारा जो फोकस रहेगा आगे जाके भी वो वायर्स एंड केबल्स पे ही मैक्सिमम रहेगा. और जो हम नया प्लांट जो सेटअप करेंगे वो उसमें जो जो आइटम हम जो चीजें बनाएंगे वो वायर्स एंड केबल्स की ही रहेंगी. जैसे हमने जैसे संजय सर ने बताया सोलर केबल्स, फायर सर्वाइवल केबल्स, हाउस वायर्स एंड पावर केबल्स, इसके इसकी मैक्सिमम इस पे हमारा आगे जाके मैक्सिमम फोकस रहेगा. एज वी फील हमारे पास इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है और हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और हमारे हमारे डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अप्रूवल्स एंड सब चीजें इसमें इसमें बहुत ज्यादा अच्छी है. ये बताइए कि आप नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, उससे ये कैपेसिटी कब आ जाएगी ऑन स्ट्रीम, मतलब कमर्शलाइज कब कर पाएंगे, ऑपरेशनलाइज कब कर पाएंगे, और इसका रेवेन्यू जो होगा वो
आज के डेट में, वो कब तक वो आपको आपके बैलेंस शीट या पीएनएल में दिखने लगेगा? हम लोग ये जो कैपेसिटी एनहेंस कर रहे हैं उसका लैंड ऑलरेडी जैसे आपको बताया मैंने अक्वायर्ड है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन करके हमें उम्मीद है कि सेकंड से थर्ड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स जुलाई से सितंबर के अंदर के बीच के अंदर ये हमारा इसका प्रोडक्शन कमेंस हो जाएगा एंड स्लोली ग्रेजुअली विद 10% 15% इंक्रीजिंग एवरी मंथ हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक ये हम लोग की कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अपनी 200 करोड़ की है वो हमारी धीरे धीरे करके इसके अंदर आ जाएगी। तो ये कैपेसिटी कितना रेवेन्यू लेकर आ सकती है आपके लिए लगभग? दिस एडिशनल कैपेसिटी विल ब्रिंग रफली 200 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। ओके, दिस इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 200 करोड़ एंड एज वी प्लान द ऑपरेशन जैसे संजय सर ने बोला तो हमारी उम्मीद है हम इसको हमारी होप है और हमारी उम्मीद है हम इसको फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे बहुत जल्द। ये बताइए कि आपका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो कैसे आप इसको बेटर कर सकते हैं? 8.5% एबिटा मार्जिन से आज के डेट में उसको आप, इसमें क्या गुंजाइश है कि ये मार्जिन प्रोफाइल और ऊपर जाए? हाँ जी, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं मोस्ट ऑफ देम वो जो एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड हैं, तो जैसे अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमारे एक्सपेंसेस उस रेशियो में नहीं बढ़ेंगे। तो जैसे हमारी नया प्लांट ऑपरेशनल होता है और जैसे हम अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जो रेवेन्यू शेयर जो बढ़ेगा उससे जो हमारा मार्जिन बढ़ेगा, जो हमारा मार्जिन बढ़ेगा उससे हमारा ओवरऑल मार्जिन बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस उस रेशियो में नहीं बढ़ने चाहिए। संजय जी और आदित्य जी, आज BQ प्राइम हिंदी में आप हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका IPO जो है 29 को खुल रहा है, 51-54 पर शेयर का प्राइस बैंड है और लगभग आप 70 करोड़ के ऊपर आप रेज कर रहे हैं इस फ्रेश इश्यू। थैंक यू वेरी मच BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। थैंक यू।